हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोल्डर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं, और आज जो हमारा स्टार पैटर्न है वो ये है, इसे पिरामिड भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो टेबल बनाने का होता है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया है, यहाँ पे कॉलम में हमने नंबरिंग कर लिया है, तो हमारा 1 to 9 नंबरिंग हो रहा है, और जो हमारा रो में नंबरिंग हो रहा है वो 1 to 5 हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा रो वाला लूप चलेगा वो 5 बार चलेगा, और कॉलम वाला जो लूप चलेगा वो 9 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 5 हो जाएगा और जे इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक दूसरा टेबल बनाना है। यहाँ पे हमने आई ले लिया, आई का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो 1/2 पोर्शन जो है ये हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, यदि आपको याद हो तो। उसमें हमने सेम इसी फॉर्मेट में देखा था, और हमारा जो आई और जे के बीच रिलेशन आ रहा था वो ये था, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस आई। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या हो रहा था, जब आई का वैल्यू 1 है तो यहां पे हमारा 5 है। तो सपोज यहां पे 4 + i करते हैं तो i का वैल्यू 1, तो 4 + 1 5, तो एक ये कंडीशन बनता है। और दूसरा कंडीशन क्या बनता है, 6 - i, i का वैल्यू 1, तो 6 - 1 5। तो हमारे पास दो कंडीशन बन रहे हैं। अब डिपेंड करता है हम 4 + i वाला ले या 6 - i वाला ले। तो ये जानने के लिए आपको सेकेंड वाला रूल देखना पड़ेगा। तो यदि यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे तो 4 + i, i का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 6, जो कि ये वाला है। तो हमें ये नहीं चाहिए अभी फिलहाल, हमें ये वाला चाहिए, 4 चाहिए। तो उसके लिए आपका 6 - i ही रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका मतलब आपका 6 - i वाला काउंट होगा। सेम आपका 3 4 5 के केस में था, यदि i का वैल्यू 3 है तो 6 - 3, तो यहां पे 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ वाले जो पोर्शन है उसमें हमारा जो कंडीशन आ रहा था वो हो रहा था j ग्रेटर देन इक्वल टू 6 - i। अब हमें राइट पोर्शन वाला देखना है। यहां पे आप देख सकते हो 5 है, तो i के 1 वैल्यू में हमें 5 चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन बन रहा था, 4 + i और 6 - i। तो 6 - i में हमें पता चल गया है कि हमें लेफ्ट वाला पोर्शन लेना है, तो जाहिर सी बात है राइट वाला जो पोर्शन होगा वो 4 + i वाला होगा। तो राइट वाले के केस में हमें बेसिकली 4 + i वाला कंसिडर करना है। तो इस केस में ये वाला रिमूव हो जाएगा। जब i का वैल्यू 3 होगा तो 4 + 3 7, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। जब i का वैल्यू 4 होगा तो 4 + 4 8, तो हमारा ये वाला पोर्शन चलेगा। जब i का वैल्यू 5 होगा तो 4 + 5 9, तो वो हमारा ये वाला होगा। तो हमारा बेसिकली कंडीशन बन जाएगा j लेस देन इक्वल टू 4 + i। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हमें लेस देन इक्वल टू लेना है या ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है? तो यहां पे बेसिकली कंडीशन चेक करवा के देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज i का वैल्यू हमारा 1 था तो 4 + 1 5 हो गया। तो यहां पे जब j का वैल्यू 1 हुआ होगा तो 1 < 4 + i, मतलब 1 < 5, कंडीशन ट्रू। तो यहां पे हमारा प्रिंट होना चाहिए था लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे हमारा दो कंडीशन है। तो इस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर लगाएंगे कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा यहां पे प्रिंट होगा। तो वो भी हम पता करने वाले हैं कि ये कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, जब जे का वैल्यू 2 होगा तो 2 < 5, कंडीशन ट्रू। तो यहां पे प्रिंट होना चाहिए लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। सेम हमारा 3 प्रिंट होना चाहिए लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है। 4 प्रिंट होना चाहिए लेकिन 4 प्रिंट नहीं हो रहा है। हमारा 5 प्रिंट हो रहा है, वो कैसे? जब यहां पे जे 5 हुआ होगा तो 5 < 5, कंडीशन ट्रू। साथ ही में जब हमारा यहां पे ये वाला कंडीशन में आई का वैल्यू 1 होगा तो 6 - 1 5, तो जे
ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो हमारा ये वाला 5 प्रिंट हो जाएगा, मतलब दोनों वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तभी यहां पे हमारा 5 प्रिंट हो रहा है। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो उस केस में भी चेक कर लेते हैं, 6 - 2 = 4, जे का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब जे का वैल्यू 5 होगा तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला हमारा प्रिंट हो जाएगा। जब जे का वैल्यू 6 होगा तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाला सेम हमारा इसमें भी आना चाहिए, वो कैसे होगा, जब आई का वैल्यू 2 हुआ होगा तो 4 + 2 = 6, और यहां पे जब जे का वैल्यू 4 हुआ होगा तो 4 < 6, कंडीशन ट्रू, तो इसलिए यहां पे भी 4 प्रिंट हो गया। जब जे का वैल्यू 5 हुआ होगा तो 5 < 6, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे भी प्रिंट हो गया। जब जे का वैल्यू 6 हुआ होगा तो 6 < 6, कंडीशन ट्रू, तो वो भी यहां पे प्रिंट हो गया। जब जे का वैल्यू 7 हुआ होगा तो 7 < 6, कंडीशन फॉल्स, तो यहां पे प्रिंट नहीं हुआ, मतलब हमारा वही वाला पोर्शन प्रिंट हो रहा है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं। इसी तरह आप आई के 3 वाले में भी चेक करवा सकते हो, 4 वाले में भी चेक करवा सकते हो, और 5th वाले में भी चेक करवा सकते हो। 5th वाला देख लेते हैं, जब आई का वैल्यू 5 हुआ होगा तो 6 - 5 = 1, अब जे का वैल्यू 1 पे 1 > 1, कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट हो गया। जब जे 2 हुआ होगा तो 2 > 1, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे प्रिंट हो गया। सेम आपका 3 वाला प्रिंट हो गया, 4 वाला प्रिंट हो गया, 5 वाला प्रिंट हो गया, 6, 7, 8, 9 प्रिंट हो गया, क्योंकि ये सारे 1 > 2। इस वाले केस में यदि देखोगे तो i का वैल्यू क्या था, 5 था, तो 4 + 5 = 9। अब j का वैल्यू यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सारे वैल्यू लेस देन इक्वल टू 9 है, इसीलिए यहां पे ये सारा प्रिंट हो गया, मतलब जो चीजें दोनों में कॉमन हो रहे हैं वही हमारा यहां पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह आप कंडीशन में दोनों दोगे और बीच में एंड ऑपरेटर लगाओगे, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इस तरह आपको थिंकिंग करना होता है, ये एक दो बार में नहीं आएगा, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यही चीजें आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि स्टार पैटर्न का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये देख के ही डर लगता है। तो जब देख के ही डर लगेगा तो फिर आप सॉल्व कैसे कर पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि टेबल के फॉर्मेट में पहले बना लो, उसके बाद यहां पे एक और टेबल बनाओ और इस फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट कर दो, और फाइनली यहां पे कंडीशन चेक करवाओ और आई और जे के बीच रिलेशन निकालो। बस यही चीज आपको फॉलो करने है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया, हमारा जो फाइल नंबर रहेगा वो पैटर्न 5 रहेगा, .cpp, एंटर, हेडर फाइल लेने, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे मेन मेथड लेना है, तो इंट मेन किया। अब यहां पे एक वेरिएबल होगा आई, जो वैसे भी रो के लिए होगा, जे होगा कॉलम, लूप चलाना है, तो 4 i = 1, i < 2, 5 तक चलेगा, i++, एंटर कर ब्रैकेट। अब हमें कॉलम वाला चलाना है, तो कॉलम वैसे भी हमारा 9 तक चलेगा, तो यहां पे 4 j = 1, j < 9, j++, एंटर कर ब्रैकेट। यहां पे कंडीशन लेना है, इफ j > 6 - i हो, एंड ऑपरेटर में j < 4 + i हो, यदि ये कंडीशन हमें मिल जाए
तो यहां पे सी आउट पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे एस्ट्रिक सिंबल, नहीं तो एस ब्लॉक में सी आउट, यहां पे हमारा ब्लैंक आ जाएगा और फाइनली यहां पे जब ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तो वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट रो में प्रिंट करवाने के लिए यहां पे सी आउट बैक स्लैश सेमीकोलन, बस यही करना था। देखिए सारा एक ही फॉर्मेट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले रो वाला लूप चलेगा फिर कॉलम वाला लूप चलेंगे, यहां पे कंडीशन चेक होगा और यहां पे नेक्स्ट लाइन के लिए बैक स्लैश एन लेना पड़ेगा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए आपका सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। जो आपका यहां पे फॉर्मेट आ रहा है, यहां पे 5 है, यहां पे 4, 5, 6 है, यदि इस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो एक ही काम करना है जो आपको लास्ट टाइम बताया था, यहां पे जे का वैल्यू प्रिंट करवा देना है। तो जे हो गया, कंट्रोल एस किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए यहां पे सेम उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।